स्वागत है आपका न्यूबीज टू नॉबीज में। ट्रेल राइडिंग करते टाइम कब बैठना है और कब खड़े होकर चलाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेल राइडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं, अगर हम खड़े होकर चलाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, जब भी ईजी रहेगा उस टाइम पर हम बैठ जाएंगे, और जब भी कोई डिफिकल्ट टेरेन दिखेगा, हमें दिखेगा काफ़ी सारे पत्थर हैं या सैंड है या कुछ है जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्टिवली इनपुट देना है, उस टाइम पर हम खड़े हो जाएंगे। अगर हम बैठ के चलते हैं तो हमारी एनर्जी बचती है, और जब हम खड़े होकर चलते हैं एनर्जी ज़्यादा लगती है लेकिन कंट्रोल ज़्यादा आता है। तो इस टाइप से अगर हम चलेंगे तो हमारी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, क्योंकि आगे क्या क्या आने वाला है हमें नहीं पता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं, हम सभी ने किया है, हम सब गिल्टी है इस चीज़ के लिए कि जब हमें फ्लैट ओपन ट्रेल दिखती है तब हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, और जब हमें कोई टफ दिखता है हमारी सब खड़ जाती है और हम नीचे बैठ जाते हैं। अगर हम ये करते हैं तो वो बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। इस बात पे हम ध्यान देंगे कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ही खड़े हों और जितना हो सके हम अपने आप को इजी सिचुएशंस में बैठ जाएं। अगर आप 100% ऑफ रोड टेरेन पे खड़े होकर चला सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, लेकिन इसके लिए लगता है बहुत ज़्यादा फिटनेस, एनर्जी, जो कि टाइम और ट्रेनिंग के साथ ही आपको मिल पाएगा।